मेरे साथ अभी आचार्य चंद्रकांत जी जुड़ चुके हैं जोधपुर से। आचार्य जी आपका स्वागत है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले न्यूमरोलॉजी के लिहाज से नंदिता जी आइए मेरे साथ। मैं नंदिता जी को आमंत्रित करूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ा प्लीज तालियां हो जाएं। बात करेंगे अंक की, तो 2022 में वीनस प्रधान है, लेकिन जब वर्ष शुरू हो रहा है तो मंगल अपनी राशि में है, तो नंबर एक वाले जो कि जिनका सूर्य प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए ये वर्ष जो हैगा आपके लिए प्रेम संबंध में बहुत उत्तम वर्ष होने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पे उन्नति रहेगी, शुभ स्थितियाँ बनी रहेंगी आपके लिए। आर्थिक मामलों की बात करूँ तो धीरे धीरे सुधार आएगा। सेहत में आपको बहुत यहाँ पे अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। ओवरऑल वर्ष मैं कहूँगी तो आउट ऑफ 10 आपके लिए 7 नंबर दूंगी इसको। नंबर टू की बात करें तो मून प्रधान या चंद्र प्रधान आप व्यक्तित्व रखते हैं, और चंद्र प्रधान व्यक्ति वालों के लिए ये सेलिब्रेशन के योग बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्ष में भी 3 बार 2 आ रहा है, यानी कि मून यानी कि चंद्रमा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रीमी स्टेट लेके आएगा। प्रेम संबंध सुदृढ़ होंगे, परिवार में बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनती दिखाई देती हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र या आर्थिक मामलों में खर्चे अनायास करेंगे, अकस्मात होंगे, इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 3 यानी कि गुरु प्रधान आप रहेंगे। गुरु इस वर्ष में 13 अप्रैल से अपनी ही राशि में जाएंगे, जो आपके लिए 13 अप्रैल के पश्चात बहुत अच्छी स्थितियां बनाएंगे नंबर 3 वालों के लिए, और ओवरऑल वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रेम संबंध में यहाँ पे विवाह आदि के भी आपके लिए योग बना रहा है। नंबर 4 राहु प्रतिनिधित्व होता है नंबर 4 का, और नंबर 4 वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियाँ रहेंगी, आर्थिक मामलों में भी अच्छी स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन बाकी एरियाज में यानी कि प्रेम संबंध में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी वाणी में मधुरता लेके आए तो स्थितियाँ बेहतर होंगी। नंबर 5 मरकरी का नंबर होता है, यानी कि बुध प्रधान रहता है। वर्ष की शुरुआत में बुध काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, करीबन 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन अमूमन पूरे वर्ष में आपके लिए स्थितियाँ सुदृढ़ रहेंगी, स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। नंबर 7 केतु का प्रधान वर्ष रहता है आपके लिए, और यहाँ पे जब वर्ष की शुरुआत हो रही है तो वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा मध्यम गति से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए संयम के साथ और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप काम करेंगे तो आपके लिए करियर में बहुत अच्छे यहाँ पे उछाल आ रहे हैं। नंबर 8 शनि प्रधान होते हैं आप, और आपके लिए यहाँ पे स्थितियाँ बहुत सुदृढ़ हो रही हैं। शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन गर्मियों का समय यानी कि जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में थोड़ा सा संयम बरते वहाँ पे तकलीफ आ सकती है, ओवरऑल समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और नंबर 9 मंगल का नंबर होता है आपका, वर्ष की शुरुआत में मंगल अपनी राशि में है, बहुत सुदृढ़ स्थिति में आपको लेकर के जा रहे हैं, पूरे वर्ष मंगल बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म में गुजरते जाएंगे तो आपके लिए उन्नतिकारक स्थितियाँ रहेंगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, सवाल ये है कि नंबर जो अपना लोग देखेंगे वो कैसे देखेंगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ या टोटल? नहीं, डेट ऑफ बर्थ से आप अगर देखें तो आप वो मूलांक आपका बन जाता है, जैसे इफ यू आर बॉर्न ऑन सेकेंड जनवरी 2000 लेट्स से, तो पूरा टोटल करना होगा। अगर आप टोटल नहीं, नंबर यहाँ पे आप केवल सेकेंड जनवरी से, नंबर 2 से आप यहाँ पे देखें, ये मूलांक पे आधारित होते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता, कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।